your name? My name is Nishika Chauhan. So we took your interview for the first shift. Now आपका second shift over हो गया. How was it? Ma'am, it was good. And difficulty level क्या था question paper का? Very easy. Very easy. Yes, ma'am. English is good. और current affair questions आए थे? आए थे, but I don't attempt. Okay. I only attempt chemistry, physics. ओके केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी में कौन से टॉपिक से आए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस? मोल्स भी थे, रिएक्शंस, मोल्स, रिएक्शंस, एंटीबायोटिक्स. ओके आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट से? ओके एंड स्कोर कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओके थैंक यू. नाम? शुभम उपाध्याय. ओके एंड आप कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट करने आए थे? यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन. ओके कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया मैम. पिछली बार से जो मैथ का लेवल था वो थोड़ा इजी था. मेरा पिछली बार भी क्लियर हुआ था और उससे पहले भी क्लियर हुआ था. हालांकि मैं एसएससी में दो बार कॉन्फ्रेंस आ दूँ, एक बार भोपाल से और एक बार प्रयागराज से. आई होप इस बार भी क्लियर हो जाएगा. ओके एंड डिफिकल्टी लेवल कैसा था आपके अकॉर्डिंग? मैथ्स का मैं बताऊँ मॉडरेट था, आसान था मैथ्स का पेपर. और जीएटी में बात करूँ साइंस पोर्शन ईजी था बिल्कुल. और बात करूं तो करंट अफेयर थोड़े स्टेटमेंट वाइज ज्यादा थे, मतलब करंट अफेयर पहले ऐसे आते थे वन लाइनर आते थे. इस बार एक से दो या तीन चार पॉइंट एक्स्ट्रा आए जिससे सिलेक्शन में थोड़ी मुश्किल हुई वैसे नॉर्मल. ओके एंड आपके अकॉर्डिंगली करंट अफेयर्स कितने ओल्ड होंगे? वन ईयर और सिक्स मंथ्स? मतलब सिक्स मंथ्स ओल्ड. ओके एंड आप जैसे बोल रहे हैं कि साइंस वाला सेक्शन आपने अटेम्प्ट किया है, केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस किए होंगे, बायो के कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं जिससे आए होंगे मोस्टली क्वेश्चंस? डायवर्सिटी, बायो में बात करूं तो डायवर्सिटी से क्वेश्चंस थे, टिश्यूज से क्वेश्चंस थे और सेल से बेसिक क्वेश्चंस थे. मतलब बायो नॉर्मल था, केमिस्ट्री नॉर्मल था, फिजिक्स का मैं कहूंगा थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़े से ट्रिकी थे लेकिन ठीक था. कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं? करंट अफेयर क्वेश्चंस जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक पूछी थी कि हम यूएसए के साथ कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, उसमें से ऑड वन आउट ढूंढना था. मतलब एक चौथी एक्सरसाइज थी जो हम फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे. तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट से? हो जाएगा मैम. चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. ओके तो ये कौन सा आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है? एनडीए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. कैसा गया आपका एग्जाम? डिफिकल्टी लेवल क्या था आपके हिसाब से? ठीक ठाक था. और लास्ट ईयर के हिसाब से क्या था? ज्यादा डिफिकल्ट था या इजी था लास्ट ईयर के हिसाब से? फर्स्ट टाइम दिया. आपने फर्स्ट टाइम दिया बट क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे? तो उससे तो उसी के लेवल का था, ज्यादा वो हार्ड भी नहीं था ना ज्यादा इजी था. ओके एंड आप जो आपने टॉपिक्स अटेम्प्ट किए हैं आप मुझे एक दो सब्जेक्ट्स के बता सकते हैं कि बायो में कौन से टॉपिक से आया क्वेश्चंस या हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए? डिड यू अटेम्प्ट, आपने कौन से सब्जेक्ट्स के अटेम्प्ट किए हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? फिजिक्स में से आए और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में रिएक्शन. ओके एंड आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट से? ओके थैंक यू सो मच.